तो यार आप सभी का स्वागत है मार्वल स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस के सेकंड पार्ट के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले गैंगी करके इसका कोई दोस्त है, एमसी थिएटर में जाना है, उससे हेलो हाय करनी है। मे बी एटलीस्ट हमें इतना पता चल चुका है कि इसने गैंगी को बता रखा है कि इसके पास पावर्स है स्पाइडरमैन की। कैसे बताया, क्यों बताया, ऐसे ही मजे मजे में बताया, अच्छा दोस्त है बुरा दोस्त है कुछ नहीं पता अभी हमें। तो चलते हैं उसके पास जल्दी से। तो यार इसी के और अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी गड़बड़ के। ठीक है, ओके ट्रिक्स वगैरह ये शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं करने। अभी कुछ जगह ट्रिक्स बहुत ही सही है इस वाले की। इन्होंने स्पाइडरमैन से अच्छी खासी अपग्रेड कर दिया चीज़ें। पहले इतनी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं थी जितनी अब है। अब शायद हो पाएगा। और अगर कई सारे हम एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस करें तो अलग चीज़ बनती है बिल्कुल। चलते हैं और गैंकी करके बंदे से हेलो हाय करते हैं। बस पहुंच ही गए। ये शायद सेंट्रल पार्क है। हाँ I will never get used to you doing that. Hey, look, check it. Christmas present from Spider-Man. Open it. Dude, put it on. I'll cover you. What? Never seen a guy change clothes in Central Park? Okay. How's it looking? Whoa. Miles Morales, congratulations and welcome to your very first super suit. ये भी काफी सही है। लेकिन सूट मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। कुछ ही कहो, माइल्स मोरालिस के लिए ब्लैक सूट ही बेस्ट रहता है। कॉमिक्स के अंदर भी इसके साथ ब्लैक सूट था। और भाई कुछ ही कहो, वो उसके पास सबसे बढ़िया जचता है। चलो देखते हैं, यू हैव अनलॉक्ड अ न्यू सूट। सूट्स का एक नया हमारे पास आ चुका है टैब। सूट्स कैन बी इक्विप विद सूट्स मेन्यू इन द सूट्स पेज। ओके कम बैक हियर व्हेन यू अनलॉक मोर सूट्स और इफ यू वांट टू स्विच आउट योर करंट सूट। ओके हेड अप टाउन फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस अमेजिंग गिफ्ट। कुछ भी कहो, पीटर पार्कर भी काफी फनी है। ओके यहाँ पे हमारे पास सूट्स हैं। पहला यहाँ पर है। इसके अंदर इतने सूट्स नहीं है जितने स्पाइडरमैन में थे। स्पाइडरमैन के अंदर थे टोटल, अगर मैं सही हूँ, अराउंड 50 50, शायद 45 47 सूट्स थे उसमें। इसके अंदर हार्डली 20 सूट्स हैं, बस खत्म। खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए ये ठीक है। लेकिन बाद के लिए अगर देखें हम, होममेड सूट, ट्रैक सूट, ये काफी सही रहेगा। ट्रैक सूट, क्रिम्सन काउल सूट, ब्रुकलिन विजन अकेडमी सूट, एनिमेटेड सूट, दी एंड सूट, ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा देखने में। माल्स मोरालिस 2099 सूट, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। इनटू द स्पाइडर वर्स सूट, ये भी काफ़ी फेमस सूट है। क्लासिक सूट, क्लासिक एक्चुअली सबसे ज़्यादा फेमस सूट है इसके अंदर। खैर कोई बात नहीं, उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। सो वाइजर मॉड्स, वाइजर मॉड्स ऑगमेंट स्पाइडरमैन्स विजन टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। ओ ये नहीं है। ये में बेसिकली मॉड्स ही होगा, सिंपल मॉड्स। बस इसके अंदर सूट मॉड्स यहाँ पर आ गया है एक एक्स्ट्रा। इसके अंदर क्या है, डिक्रीज डैमेज फ्रॉम मेली अटैक्स बाय 25%। बेसिक मॉड ही है उसके अंदर। 2010 वाले गेम के अंदर भी ये वाला पहला मॉड यही था, सूट मॉड का। मिली डैमेज से रिलेटेड था, 25% ही था वैल्यू अगर मैं सही हूँ तो। अन अफोर्डेबल एक्टिविटी टोकन्स, ठीक है अभी हम इसको नहीं कर सकते हैं। और इसको भी अभी नहीं कर सकते हम, इसके लिए एक्टिविटी टोकन्स चाहिए शायद। 0 out of 8, काफ़ी सारे चाहिए। 14 टेक पार्ट्स, टेक पार्ट्स कुछ नया है। ओ ये वाली न्यू गेम प्लस के अंदर अनलॉक होंगे, ये नहीं आया इस बार। ठीक है उसके अलावा देखते हो और कुछ। This is only half of the present. What's the other half? I'll let you know when I find it.
ठीक है, हमें ट्रॉफी मिली है गिफ्ट फ्रॉम पीट, और हमें मिला रिसीव द गिफ्ट सूट, और उसका जे जोना जेम्सन का पॉडकास्ट। हेलो सर, your truth-slinging host with the most, J. Jonah Jameson. What? Just Pete said his suits the autoplay Jameson show? Guy's a masochist. Sad news, listeners. My Christmas charity spectacular was canceled due to masked vigilante mayhem. Gotta be something better on. Been hearing good things about this one. Hello, I'm Danica Hart, and this is the DanaCast, where I spotlight the people making a real difference in our city. Today's topic? Oh, you know, stockbrokers, for-profit colleges, maybe the people who make internet videos autoplay. No, obviously we're covering the Spider-Man's incredible takedown of Rhino. Subscribe. DanaCast, new favorite podcast. ओके, सो डैनी कास्ट एक नया पॉडकास्ट आया है जे आर्काइव के अलावा, और हाँ ये इसने काफ़ी सही कहा कि मैसोकास्ट मैसोचिस्ट आई थिंक मैसोचिस्ट क्या मैं भूल गया इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। बेसिकली उसका मतलब ये है कि वो लोग जिसको दर्द सहना पसंद है या फिर दर्द देना पसंद है लोगों को, ऐसा कुछ शायद से ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही कुछ कह सकते हैं हम, दर्द सहना पसंद है मतलब ऐसा कुछ होता है। और अगर देखते हैं अभी हमें करना क्या है मिशंस के अंदर, सो बस हो गया वाला, अब है न्यू ट्रिप। पीट हुक्ड मी अप विद अ कस्टम सूट, कांट वेट टू टेस्ट आउट इट्स न्यू फीचर्स। सो हमें नए फीचर्स चेक करने हैं बेसिकली। सोशल फीड है, नाइस, मुझे सोशल फीड ही चाहिए था यहाँ पे, और पहले से बेटर है सोशल फीड वाला, काफ़ी सही है। ठीक है, नाइस। और स्पाइडरमैन फ्रॉम ब्रुकलिन, इट्स रियली मी, स्पाइडरमैन 2, ब्रुकलिन स्पाइडर 42, -2 degrees चालीस टेम्प न्यूयॉर्क में, काफ़ी ठंड है। और बेंचमार्क्स सेम कॉन्सेप्ट है जितना हमारा स्पाइडरमैन में था। करेक्टर्स ओके, सो ये है रॉक्सॉन, साइमन क्रैगर, राइनो, गैंकी, और अगर हम देखें शो बायो, कोडर एक्स्ट्रा डिनोर, डिपेंडेबल रे ऑफ सनशाइन, भाई अलग ही लेवल की इसमें जिसे कहते हैं ना चीजें लिखी हुई है, अलग ही एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, डिपेंडेबल रे ऑफ सनशाइन, कोडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनेर, और क्या क्या है, ओ मोबाइल गेम क्रिएटर है, स्पीड नैनोगॉन, he spent over a year polishing and tweaking. He's the first person I told about my powers and he freaked out in the best way. ये क्या है? ये एक नया, ये देखो नीचे। He built a next-gen superhero app, friendly neighborhood Spider-Man. If it does half of what he wants it to, it could revolutionize how Peter and I protect New York. क्या बात है? ये बंदा अपने आप में एक genius है। करेक्टर्स, बेंचमार्क्स, सोशल फीड, मिशंस, और अगर मैंने सही सुना है हम इनको बाद में कर सकते हैं, या बाद में पता नहीं, शायद गेम कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं दोबारा, सिस्टम फाइल्स देखना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा गैजेट्स, ओ गैजेट्स ये नहीं आया है, नहीं आया है मतलब, ठीक है, सो अपग्रेड्स, एक्टिविटी टोकन्स, टेक पार्ट्स, न्यू गेम प्लस, टोटल 4 गैजेट्स है इसका मतलब, उसके अंदर मेरे ख्याल से 6 थे हमारे पास या 8 थे, शायद 8 थे हमारे पास, इसमें टोटल 4 है। सो इसके अंदर ग्रेविटी वेल और रिमोट माइन, हॉलो ड्रोन, वेब शूटर्स, क्या बात है। उसके अलावा सूट्स के अंदर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, और मैप ठीक है, और हार्लेम के अंदर यहाँ पे इसका घर भी है, और कुछ मार्क हो रखी है चीज़ें, नहीं।
ठीक है, फिर एक और मेन मिशन करते हैं। एक काम करते हैं, सूट मैं मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, बहुत ही अजीब फिगर लग रही है मुझे इसको देख के, बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि शायद इसने बड़े बड़े किसी और के कपड़े पहन रखे हो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल भी सिंक्रनाइजेशन नहीं है इसके ऊपर मास्क में और इसके नीचे सूट में, सूट बिल्कुल इसको सूट नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। सो हम इस पे ही रहेंगे, ये बेटर सूट है, डेफिनेटली बेटर है, चलते हैं। This is the place. Looks like Pete set up a lot of gear. Oh, so Peter Parker ने इसके लिए एक proper research lab बनाई है या कुछ करा है इसके लिए, ये specifically इसकी जगह है, ये इसका second part है gift Christmas का। कुछ भी कहा, पीटर पार्कर ने काफ़ी अच्छा खासा सब कुछ तैयारी की है क्योंकि इसको जाना है क्या कहते हैं न्यूयॉर्क से बाहर, तो उसने पूरी मेहनत की है ताकि इसकी मदद हो सके माइल्स मोरालेस की। Miles, get ready for your first holographic training challenge. These challenges are spread throughout the city. Each one focuses on a new move or technique. This one focuses on acrobatic improvisation. Get into position to start. Holo training? Oh, I am so down. क्या बात है? Holograms तो भाई अलग लेवल चीज हो गई बिल्कुल। First up, air combat. Air combat. Fighting the enemy on your terms is a great way to gain the advantage. ठीक है, एयर लॉन्च सेम ही अभी तक। ये देखो यहाँ पे पीटर पार्कर यहाँ पे है, स्विंग किक बहुत किया मैंने पिछले गेम के अंदर, और ये देखो लिटरली वहाँ पे पीटर पार्कर बैठा हुआ है एज ए होलोग्राम। मजा आ गया भाई, जंप, नाइस। With the right parts, but I can make it portable. ठीक है, क्या हुआ? ओके, डिसआर्मिंग कैसे करते हैं? मुझे पता है वैसे तो, हाँ सेम ही है अभी तो कॉम्बैट सिस्टम बिल्कुल। ये बात तो है। All right, yeah, this is dope. Bless Peter Parker. Now let's combine these two moves. Oh, nice. Enemies is a great method of crowd control. Plus, the sound they make are hilarious. नाइस, हो गया कि नहीं? नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो हो गया, चलो चलो ओ, ये काफी बढ़िया था। क्या हुआ? Blue screen of death. Tons of high-tech gear we can sell. Oh crap. Spider!
can! Take him out! Then grab the gear! You all trying to catch some hands? Yeah? Okay, let's Chalo. Go. Yeah. Take the spider nice. And grab the tech gear. Gonna make bank selling this stuff off. Just so you know, this is official Spider-Man tech. Y'all are not authorized to resell. Silver Spider entertainment system on top. Beginning pre-pull of the code. These guys are see-through. How are these guys see-through? भाई अलग ही चीज चल रही है तो गड़बड़ हो गई पूरी इक्विपमेंट के अंदर और कोई बोरा नाइस Error. That's it for the tech thieves. Now to fix the training sim. Colonel Panic. Well, let's try a BIOS reset. Nice. That did it. Looks like P made stealth, swinging, and combat challenges. Gotta check these out when I get a chance. जैसे कि याद हो तो स्क्रू बॉल के भी यानी स्क्रू बॉल नहीं टास्क मास्टर के भी बिल्कुल सेम चैलेंजेस थे कॉम्बैट चैलेंजेस स्टेल्थ चैलेंजेस लेकिन इसके अंदर स्विंगिंग चैलेंजेस एक्स्ट्रा है उसकी जगह बॉम्ब चैलेंज थे उसके अंदर अगर मैं सही हूँ तो या फिर स्क्रू बॉल के थे वो चैलेंज शायद स्क्रू बॉल और टास्क मास्टर के अंदर थे ऐसी चीज़ें सो यहाँ पे हैं ट्रेवल से चैलेंज 1.0 3.0 स्टेल चैलेंज 1.0 2.0 तो मतलब टोटल हमें वन पहले वन पे जाना है फिर टू पे फिर थ्री पे ऐसा कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे तो स्पाइडर ट्रेनिंग ओ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीशन के अंदर एक स्पाइडर ट्रेनिंग हो गई और दो लॉक्ड है यहाँ पे हर एक के अंदर एक स्पाइडर ट्रेनिंग है अगर मैं सही हूँ तो हाँ और कुछ नहीं है बाकी सब में और अगर यहाँ देखें सेंट्रल पार्क के अंदर से स्पाइडर ट्रेनिंग और कुछ नहीं है ये अजीब है एक्चुअली बहुत अजीब है बहुत ज़्यादा छोटा गेम है हिसाब से क्योंकि सिर्फ हार्डली तीन चीज़ें दिख रही हैं मुझे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीशन में इसका मतलब ये है मेन क्वेस्ट के अलावा बाकी सब चीज़ मे बी साइड मिशंस मेन मिशंस के अलावा साइड मिशंस अगर इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ हम कर सकते हैं अगर साइड मिशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की लिस्ट में तो मतलब ये है तीन एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं जिसमें से एक स्पाइडर ट्रेनिंग एक है तो दो और चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं भाई ये थोड़ा अजीब है कुछ ज़्यादा ही छोटा गेम नहीं हो गया ये 2 3 टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं सो टोटल 9 स्पाइडर ट्रेनिंग चैलेंजेस I think you should check out Roxxon Plaza on your way home. I just walked by and I'm pretty sure someone's breaking in. Yeah. I'll look into it. Hey, so I want to hear more about your new spider powers. I think it's some kind of bioelectric discharge or supercharged static electricity. Ooh, we gotta name it. How about Venom Power? You know, because it stings. Okay, that's not bad. I'm gonna run. Plaza first, then home. Remember Venom Power. Trust me, it's gold. ठीक है, so एक और main mission कर लेंगे इसके अंदर ही, कर लेंगे एक और main mission. उसके अलावा अगर हम देखें, अभी हमारे पास एक visor और एक suit mod unlock हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें activity token चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है, और इसके लिए भी activity token चाहिए. ठीक है, फिर सीधा main quest करते हैं अभी के लिए, और कुछ नहीं कर सकते हम. अभी तक तो गेम बहुत ही बढ़िया चल रहा है लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि बहुत छोटा गेम है खैर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि छोटा गेम है एक सेकंड मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि हम जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो सेम ही है Hey friends, thank you so much for telling people about this podcast. We've jumped the charts from 136 to 87. Like, wow. okay, moving.
Today I'm doing a quick cast before I head downtown for my citizenship test, and I'm answering fan DMs. First one, where are you from, Danica? Well, I was born in Fuzhou, China, but we came to New York when I was 6. Next question, what kind of mic do you use? Purple one? I'm just kidding. The link's on my blog. Okay, question 3. What's the point of your podcast? Okay, so once a week, I get coffee with my friend, a journalist turned lobbyist. We talk about the news, and while we don't always agree, having to defend what I think makes me prep better. It keeps me informed and gives me a chance to revise my gut reactions. So I thought, what if everybody had that friend? What if I could be that friend for them? That's why I'm here. Ooh, and I should head to the subway. Thanks for listening, and remember that being overly familiar on social media is not cool. Okay, bye! ठीक है, ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने कि जे 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 पॉडकास्ट के अलावा डैनिका पॉडकास्ट भी काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि देखा जाए जे जॉना जेम्सन को हम हमेशा पीटर पार्कर से रिलेट करते हैं। माइल्स मोरालेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी सही रहेंगी इस मामले में। और हमारे पास एक स्किल टोकन आया हुआ है, स्किल पॉइंट आया हुआ है, सो बढ़िया कौन सा रहेगा, ये क्या है? ओ वैनम बार, तो ये करते हैं अभी। चलो बेसिक चीज़ें, वैनम साइफन, एनर्जी साइफन सॉरी। और उसके अलावा अभी हम और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, मेन क्वेस्ट पे ध्यान देते हैं अभी के लिए। अगली वीडियो से एक्स्ट्रा चीज़ें करनी शुरू कर देंगे हम। तब भी यार इनको यार थोड़ा तो बड़ा करना चाहिए था गेम, एटलीस्ट 30 घंटे का गेम होना चाहिए था ये, क्योंकि देखा जाए PS5 के सबसे बड़े गेम्स में से एक था ये जब आया था पहली बार PS5। रॉक्स ऑन, चलते हैं। Hi there, I'm Simon Krieger, and what you're standing next to is a new form reactor. Once activated, this reactor will supply enough energy to power all of Harlem. Now, I'm sure you're thinking, Simon, how is that possible? And the answer is new form. Just one canister of this revolutionary fuel source is enough to supply Harlem with clean, safe energy for the next 500 years. Soon, we'll be opening reactors throughout Manhattan, and then worldwide. Get ready for a planet powered by Nuform. Rocks on. We're here for you. अगर एक्चुअली ऐसी टेक्नोलॉजी होती है तो मज़ा आ जाता। No sign of anybody. They broke a bunch of stuff. ठीक है। Maybe they were looking for something. देखते अब क्या हो रहा है। Huh. They did a search for new form. What were they gonna do with it? Man, this night will just not quit. Okay, ये कुछ नए एनिमीज आए हैं। Their tech is unbelievable, but Venom totally wrecked it. Yeah. Chalo. Genki's right. Venom's a good name. We'll hold him here. Everyone else, get upstairs. Stay on. We're gonna need backup. Chalo. Haven't seen you guys before. Nice glow sticks. Nice. You can't stop us. Don't think your weapons work. Badhiya. Chalo jaldi se. Where are these weapons? Memory metal? चलो, मेमोरी मेटल तो नहीं है ये कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी लग रही है, कुछ होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के। बढ़िया। नाइस।
उठाओ पटको, चलो चलो चलो। जनरली ऐसी जैसी यूनिफॉर्म जैसे टेक्नोलॉजीज जो लिटरली एक छोटा सा शार्ट 500 सालों तक अगर पूरी सिटी को पावर कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी जनरली बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। न्यूक्लियर पावर जैसी टेक्नोलॉजी की तरह बहुत खतरनाक होती है वो, और बहुत तबाही भी मचा सकती है, इतना पोटेंशियल होता है उनमें जनरली। चलो चलो हो गया। चलो 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 अब भाई कितनी आसानी से चीजें टूट रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है सब कुछ ग्लास से बना हुआ है। Nice. Yeah, animation. ठीक है। हो गया, बाकी सारे इस साइड हैं, वहां तक कैसे जाएंगे? वहां ऊपर। नाइस। हो गया, चलो चलो अब नाइस। अब चलो 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 नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ नैनो टेक्नोलॉजी लग रही है बिल्कुल मुझे ये। हो गया, तो अब क्या करना है? About new form shipments. I need to figure out what they found so I know where they're gonna hit next. ठीक है, चलते हैं। यहाँ से पहुँच गए। They were tracking new form shipments, but why? Rocks on security. They can take it from here. Gotta look into this later. I gotta get home. Okay. Christmas dinner sounding pretty good right about now. I'll look into that group when the new form shipment's tomorrow. ठीक है, सो अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब उसके अलावा अगर देखा जाए इस टाइम पे स्किल्स के अंदर देखते हैं, एक स्किल पॉइंट है हमारे पास एक्स्ट्रा। ये क्या करता है? ओ ये हम कर सकते हैं वैसे तो, मैं इस पे प्रेफर करूँगा। ठीक है, उसके अलावा हम ऑलरेडी मेन मिशन 5 पे आ चुके हैं देखा जाए। ये दोनों बहुत ही छोटे थे और ये बड़ा था फिर भी। उसके अलावा प्रॉपर हमने लड़ाई शुरू कर दी है अब देखा जाए, एनिमीज से नए एनिमीज आ चुके हैं। देख के मुझे कुछ होलोग्राफिक इक्विपमेंट और नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ लग रहा है मुझे देख के। उसके अलावा रॉक्सॉन से रिलेटेड हम चीज़ें करने वाले, इतना तो मुझे समझ में आ ही गया था क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने रॉक्सॉन के R&D हेड से हेलो हाई करवाई थी हमारी स्पाइडरमैन की, जो भी क्रेगर करके नाम जो बंदा है। सो इतना तो समझ में आ ही गया था, जो मेन क्वेस्ट होगी रॉक्सॉन से रिलेटेड होगी हमारी। और उसके अलावा
ठीक है देखा जाए तो। और ये देखो ये रहा, बायो चेक करते हैं। दी यंग माफिया, ठीक है। सो टिंकरर की वजह से ये यंग माफिया के पास ये वेपन्स वगैरह आए हैं, शेप शिफ्टिंग वेपन्स। ओके, प्रोग्रामेबल मैटर टेक्नोलॉजी। हाँ प्रोग्राम्स मैटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अलाउइंग देम टू 3D प्रिंट हाईटेक वेपनरी ऑन द फ्लाई। क्या बात है, ये तो अलग ही लेवल की चीज हो गई। ठीक है, ये देख रहे हो, सिर्फ ट्रायंगल को होल्ड करने से चार चीजें हम कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, और अभी हम मेरे ख्याल से और कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, इस कॉम्बैट चैलेंज को स्पिन साइकिल स्किल, हम स्किल्स भी अनलॉक कर सकते हैं इसके थ्रू, ये बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ चलते हैं और एक वो करते हैं, कॉम्बैट चैलेंज 1.0। हर वीडियो में एक कॉम्बैट चैलेंज करेंगे हम, तो 9 वीडियोस के अंदर अंदर, मतलब वीडियो 10 तक में हमारे सारे कॉम्बैट चैलेंज कंप्लीट हो जाने चाहिए अगर मैं सही हूं तो। उसके अलावा देखा जाए मैप बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है, क्योंकि देखा जाए 1 साल के अंदर शहर इतना बदलेगा नहीं, और एक नॉर्मल नॉर्मल जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ स्पाइडरमैन 2 के अंदर कुछ चेंजेस हो मैप के अंदर, हम सेम मैप के ऊपर ही ना घूमें पूरे टाइम, एक नया मैप बढ़िया रहेगा स्पाइडरमैन 2 में। ठीक है, देखा जाए माइल्स मोरालिस को एक सब गेम की तरह कंसीडर किया गया है, ना कि एक मेन गेम की तरह, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 आ रही है ना कि स्पाइडरमैन 3 अगले इस साल। इसका मतलब ये स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस बस एक बीच का शॉर्ट गेम कह लो, वो हो गया। तभी ये सिर्फ 17-18 घंटे का है, हार्डली 20 घंटे का होगा। और अगर देखा जाए स्पिन साइकिल हमें क्या चाहिए, 25 10 हिट्स, 20 50 हिट्स, ठीक है। चालू करते कॉम्बैट चैलेंज फिर। Know the quickest way to end a fist fight? Don't use your fists. In this challenge, grab stuff, spin it around, and whack enemies with it. You can grab objects, enemy weapons, even other enemies. Every hit scores a point. Approach the prompt when you're ready. Throw practice. Nice. I'm ready. ठीक है, तो चालू करते हैं। अब होल्ड ट्रायंगल टू यैंक एनिमी वेपन एंड स्पिन इट टुवर्ड्स यू। नाइस, बच गए। और अब नाइस, ओह काफी बढ़िया हिट्स थे वाले। नाइस, ठीक है। नाइस, Spinning like this looks crazy, but man, it's effective. अब ये बढ़िया था। चलो चलो, चलो जल्दी से, हो गया। नाइस, Well done, Spider Squire. Smack those bad guys in their holographic head, but good. Now that you've got your throwing down, try extending your windup before release. Good way to clear some space. See you at the next challenge. Oh, extended windup. Good idea. ठीक है, सो अगर हम देखा जाए, मुझे अभी ट्रॉफी मिली है पिक्सल्स करके कुछ थी, अब मैं भूल गया। वो बेसिकली स्पेक्टेकुलर चैलेंज, स्पेक्टेकुलर पाने के ऊपर एक कॉम्बैट चैलेंज में, इस वीडियो के अंदर ये वाला कॉम्बैट चैलेंज हो चुका है। देखा जाए बेस्ट को स्पेक्टेकुलर, एक और थोड़ा सा रह गया बस, उन्हें और बढ़िया हो जाता, 50 हिट्स हो जाते तो। खैर कोई बात नहीं, मूव्स लिस्ट के अंदर नहीं आया है। ओ ये वाला बेसिक
बेसिक है वाला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम कॉम्बैट चैलेंज के थ्रू वो मूव्स हम अनलॉक कर रहे हैं जो पिछले गेम के अंदर हम स्किल पॉइंट से कर रहे थे। नाइस। अगली वीडियो के अंदर एक और कॉम्बैट चैलेंज करेंगे और पहले इधर जाके इसको करेंगे। तो यार तब तक के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से गेम बहुत ही बढ़िया है। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करना। और बाय चांस अगर तुम्हें मेरा चैनल पसंद आए उसको जगह शेयर करो और आगे की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही। सायोनारा।